बदमाशों का पुलिस ने बुधवार को जुलूस निकाला। शहर में जहां से बदमाश रैकी करते हुए घर में घुसे थे, वहीं से पुलिस उनको पैदल लेकर गई। एक दो बदमाश लंगड़ाते हुए दिखे और इस तरह जुलूस निकालने के पीछे बदमाशों में खौफ पैदा करना है। पुलिस ने अभी तक रकम बरामद करने का खुलासा नहीं किया है। घटना 20 नवंबर की रात 2 बजे की है। पुलिस ने मामले में हिरासत में बताया हिसार के पास हांसी से बदमाश को गिरफ्तार किया है और इस डकैती के पीछे नीरज गर्ग के घर काम करने वाली नौकरानी की साजिश बताई जा रही है और उसने ही अपने बॉयफ्रेंड से संपर्क कर बदमाशों को नीरज के घर में नकदी व ज्वेलरी होने की सूचना दी थी। इसके बाद रैकी कर बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। देखो जी, घटना आपको सबको मालूम है, उसको रिपीट करने से फायदा नहीं है। मैं पहले दिन से कॉन्फिडेंट था। सीओ सिटी अंगद शर्मा जी और नरेश शर्मा जी ने मुझे पूरा आश्वासन दे रखा था। मुकेश जी जो हैं स्पेशल में, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा था कि भैया आप चिंता ना करो, आपका केस हम जल्दी से जल्दी क्रैक करेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल था। और आप जो 3-4 दिन में इन्होंने जो कार्रवाई की है, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि पुलिस के अंदर हमारा पूरा विश्वास है। पुलिस क्रिमिनल को कभी छोड़ेगी नहीं और समाज की रक्षा करना पुलिस का दायित्व है, धर्म है, और वो अपनी रक्षा में बिल्कुल तत्पर हैं। हम सबके लिए भी मैसेज है, मैं कहता हूँ भगवान ने निमित्त मुझे बनाया, लेकिन पूरे समाज में, क्योंकि काम वाले जितने भी घर में काम कर रहे हैं, सबके घरों में पैसे का लेन देन है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर है, शादी ब्याहों में बुजुर्ग माँ बाप को सब घर छोड़ कर जाते हैं, तो हम सबके लिए एक मैसेज है कि अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी को चौक पाबंद करें, घर के आगे पीछे ध्यान रखें। जिन काम वालों को अपन रिक्रूट कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराएं, उनका रेफरेंस चेक करें। नहीं, काफ़ी हद तक जो है वो जो रिहर्सल कराई थी पिछली घटना स्थल तस्दीक का, वो ऑलमोस्ट हमारे दिमाग में जो था बिल्कुल वैसा ही सामने आया। और बिल्कुल एग्जैक्टली जो उनका मूवमेंट रहा यहाँ तक आने का, घटनास्थल तक आने का, किस तरीके से रहा, एक गाड़ी से कहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ से ई रिक्शा करे कहाँ तक है, वो सब चीज़ें हमने इस परेड के माध्यम से, घटना स्थल के माध्यम से हमने कन्फर्म करा ली। ये प्रूव हो चुका है क्योंकि एक्चुअली क्या, फर्स्ट टाइम जब जिस दिन हम आए थे घटना पे, उसी दिन थोड़ा दरवाजा खुला हुआ था और यहाँ पे सिर्फ जो थे वो अंकल आंटी थे जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा कि उन्होंने बोला कि हमने गेट नहीं खोला, तो फॉर ऑब्वियस था कि उनको पहले से गेट खुला मिला। और सेकेंडली टूटने जैसा वहाँ पे कोई नजर नहीं आया कि किसने गेट धड़के तोड़ा, वो ये है कि बहुत स्मूथली वो एंटर करके गए। जी नहीं, अभी एक्चुअली इसलिए क्योंकि ये मास्क वगैरह लगा के आए थे, ये चीज़ है, तो बाकी थोड़ा बहुत इनको चार्ट हाथ से उन्होंने आइडेंटिफाई करा होगा कि हाँ ये व्यक्ति है। देखिए बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक पुलिस प्रोसीजर रही है, इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, घटना से तस्दीक कराना, तो हमने इनको उसी जो जिस माध्यम से आए थे और जिस तरीके से आए थे हमने उसको प्रॉपर तस्दीक कराया। और सेकेंडली ये चीज़ है कि एक जब निकालते हैं तो एक जो आमजन में विश्वास होता है वो बढ़ता है और अपराधियों में भय पैदा होता है। या जैसे साइड पे